आज के कार्यक्रम में हम लोग संस्कृत के अनुवाद सीखेंगे। क्या आप लोग मेरे साथ सीखना पसंद करेंगे? जी भैया। तो अनुवाद जानने के लिए, सीखने के लिए यह आवश्यक होता है कि हम यह जानें कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, और हम फिर बताएंगे कि आपको आगे क्या पढ़ना है। तो अब तक आपने कौन कौन लकारें सीखी हैं? सृष्टि तुम बताओ। लट लकार, लट लकार, लंग लकार, लंग लकार। आज हम लोग लोट लकार के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी भी लकार को पढ़ने के लिए क्या जानना आवश्यक होता है? सुप्रिया तुम बताओ। पहचान। पहचान। तो लोट लकार की पहचान हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए। जिन ऐसे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में हमें यह पता चले, पढ़ने से यह पता चले कि हम में यह कार्य करने की आज्ञा दी जा रही है अथवा सलाह दी जा रही है, वे वाक्य लोट लकार के होते हैं। लेकिन हम लोट लकार के अनुवाद बताएं इसके पहले हम कुछ आपसे पिछला पूछेंगे। तो हम एक दो अनुवाद पूछ रहे हैं, आप बताएंगे? जी भैया। तो मेरा पहला अनुवाद है, वह पढ़ता है। यह किस लकार का वाक्य है? सुप्रिया तुम बताओ। लट लकार। लट लकार। वह पढ़ेगा, यह किस लकार का वाक्य है? अंबर तुम बताओ। लंग लकार। भाई तो सही नहीं है, तुम बताओ। लट लकार। लट लकार, बहुत सुंदर। अब वह गया था, यह किस लकार का वाक्य है? लंग लकार। लंग लकार का। तो अब हम जब अनुवाद आप जान गए हैं तो हम इसके आगे अनुवाद किस कैसे आपने बनाए हैं ये सीख देखना चाहेंगे। तो वह पढ़ेगा, इसका अनुवाद बनाना है। सुप्रिया तुम बताओ। सह पठिष्यति। वह पढ़ता है। सह पठति। बहुत सुंदर। आज हम लोग लोट लकार के बारे में अनुवाद सीखेंगे। तो लोट लकार के अनुवादों में मैंने बताया कि जिन वाक्यों को पढ़ने से यह ज्ञात हो कि हमें सलाह दी जा रही है या आज्ञा दी जा रही है, वे वाक्य लोट लकार के होते हैं। तो इसके लिए यह आवश्यक होता है कि हम सर्वनाम शब्दों को जानें। सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? गौरव तुम बताओ। सर्वनाम शब्द 9 होते हैं। प्रथम पुरुष के सर्वनाम कौन कौन होते हैं? सुप्रिया तुम बताओ। सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष के सर्वनाम कौन होते हैं? त्वम, युवाम, युयम। उत्तम पुरुष के सर्वनाम कौन कौन होते हैं? अहम, आवाम, वयम। जैसे ये 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं, वैसे ही किसी भी धातु के 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। जैसे पठ धातु के रूप हैं तो प्रथम पुरुष के रूप होते हैं, आप पढ़िए। पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष के अंबर तुम पढ़ो। पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष के सुप्रिया तुम पढ़ो। पठानी, पठाव, पठाम। बहुत सुंदर। तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस पुरुष का कर्ता है उसी पुरुष और उसी वचन की हमारी क्रिया होती है। जैसे कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया किस पुरुष और किस वचन की होगी? गौरव तुम बताओ। उत्तम पुरुष बहुवचन की। सुप्रिया तुम बताओ। मध्यम पुरुष बहुवचन। अगर कर्ता हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। तो आज अब हम सीधे अनुवाद पर आ रहे हैं। जैसे वह पढ़े, इसका अनुवाद तुम बताओ अंबर। सह पठतु। बहुत सुंदर। वे सब पढ़ें, तुम बताओ सुप्रिया। ते पठन्तु। ये ते पठन्तु कैसे हो गया? प्रथम पुरुष बहुवचन की का करता है और प्रथम पुरुष बहुवचन का
की क्रिया है। इसको हम ऐसे समझें, देखिए हमने कहा वे सब पढ़ें, तो वे सब प्रथम पुरुष के बहुवचन का शब्द है, तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की होगी। इस तो यहाँ ते है और उसी अनुरूप ये पठत है, तो हमारा वाक्य बना ते पठंतु। जैसे ये प्रथम पुरुष बहुवचन में ते है, उसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ये पठंतु है, तो कुल दोनों मिला करके क्या बना ते पठंतु। अब अगर हम थोड़ा सा पूछें बढ़ा करके, वे सब कल पढ़ें, वे सब कल पढ़ें, तो इसका अनुवाद सुप्रिया तुम बताओ। ते स्वः पठन्तु। ते स्वः पठन्तु, बहुत सुंदर। अब आगे मैं पढ़ूं, गौरव तुम बताओ। अहम् पठानि। अहम् पठानि, बहुत सुंदर। वे दोनों नहीं, हम दोनों पढ़ें, अंबर तुम बताओ। आवाम पठाओ। अगर हम आवाम पठत कर दें तो सही रहेगा, गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप सृष्टि हमें ये बताइए कि ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस वचन की क्रिया और जिस वचन का करता रहेगा उसी वचन की क्रिया भी रहेगी। तो आवाम किस पुरुष और किस वचन का है गौरव? उत्तम पुरुष द्विवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया क्या होगी पठ धातु की? पठाओ। तो पूरा अनुवाद क्या बनेगा सुप्रिया? आवाम पठाओ। बहुत सुंदर। अब अगला अनुवाद है, सोच समझ के बताइए। तुम सब जाओ, तुम बताओ गौरव। यूयम गच्छत। यूयम गच्छत, बहुत सुंदर। मैं हसूं, सृष्टि। अहम हसानि। वे दोनों लिखें, सुप्रिया। ता लिखताम। मैं जाऊं, गौरव तुम बताओ। अहम गच्छानि। अहम गच्छानि, बहुत सुंदर। वह लिखे, तुम बताओ अंबर। सह लिखतु। अगर यह तो हो गया पुरुलिंग, अगर हम स्त्रीलिंग का अध्ययन करना चाहें तो उसी क्रम में जैसे यह हमारा सह तौ ते होता है, उसी तरह से स्त्रीलिंग में सा ते ता। अंतर यह होता है कि यह थोड़ा समझ में कम आता है, क्योंकि वह पढ़े हम पुरुलिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं और वह पढ़े स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है तुम बताओ गौरव? हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य स्त्रीलिंग का है? सुप्रिया तुम बताओ। क्योंकि उसके सह तौ सह सा ते ता ये नहीं भाई, ये तो नहीं है, तुम बताओ। वाक्य के अंत में ती है आता है। नहीं, जिन शब्दों के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे सारे शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग में आते हैं, और जिनसे बेजान वस्तुओं का बोध होता है वे नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वे पुरलिंग में आते हैं। तो इस प्रकार तीनों लिंगों की पहचान भी आप जान लें। तो
अगर है वह पढ़े, यह स्त्रीलिंग का वाक्य है, तो उसका अनुवाद क्या बनेगा? गौरव तुम बताओ। सा पठतु। बहुत सुंदर, सा पठतु। सुप्रिया, अगर यह वाक्य हो वह जाए, स्त्रीलिंग के वाक्य हैं, तो सा गच्छतु। वह पढ़े, सः पठतु। नहीं भाई, ये तो वाक्य सही नहीं है, हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। आप बताइए। सः पठतु। वे दोनों लिखें, स्त्रीलिंग। बोलो। ते पठताम। ते पठताम। वे दोनों लिखें। सृष्टि तुम बताओ। वे दोनों लिखें, स्त्रीलिंग का वाक्य है, वे दोनों लिखें। ते लिखताम। ते लिखताम। वे सब लिखें। सुप्रिया तुम बताओ। ताह लिखन्तु। ताह लिखन्तु। अब स्त्रीलिंग में ही आगे वे सब हंसें। अंबर तुम बताओ। ताह हसन्तु। ताह हसन्तु। वे सब गाएं। सृष्टि। ताह गायन्तु। उच्चारण स्पष्ट रखिए, उच्चारण आपका थोड़ा वैसा है। ताह गायन्तु। ताह गायन्तु। वे सब जाएं। ताह गच्छन्तु। वे सब देखें। तुम बताओ सुप्रिया। ता पश्यन्तु। तो इस तरह से ये स्त्रीलिंग के रूप चलते हैं। क्योंकि नपुंसक लिंग की चर्चा इसमें नहीं आती है, इसलिए पुरुलिंग और नपुंसक लिंग की ही चर्चा की जा रही है। अब हम उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। वे सब कल पढ़ें। वे सब कल पढ़ें। ये पुल्लिंग के वाक्यों में हम आ गए हैं, तो वे सब कल पढ़ें। आप बताइए। ते श्वः पठन्तु। ते श्वः पठन्तु। ते श्वः पठन्तु। बहुत सुंदर। वे सब आज पढ़ें। वे सब आज पढ़ें। आप बताइए। ते ह्यः पठन्तु। आप बताइए। ते अद्य पठन्तु। ते अद्य पठन्तु। तुम आज जाओ। बताओ। तुम अद्य गच्छ। बहुत सुंदर। और इसी को थोड़ा सा और आगे हम इसमें शब्द जोड़ें तो होता है तुम दोनों आज बाजार जाओ। तुम दोनों आज बाजार जाओ। तो गौरव बताइए। युवाम अध्यापनम गच्छतम। बहुत सुंदर। तुम सब आज लिखो। तुम सुप्रिया बताओ। यूयम अद्य लिखत। तो इस प्रकार आज के कार्यक्रम में हमने लोट लकार के वाक्य सीखे, अनुवाद बनाना सीखा। अगले कार्यक्रम में हम आपसे विधिलिंग लकार के अनुवाद बनाना सीखेंगे।